Now we have question number 3 and 4 of exercise 9.4. और इस एक्सरसाइज में हम क्या ऑप्शन सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि जनरल सॉल्यूशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन का किस तरह से सेपरेटिंग द वेरिएबल करके निकालते हैं। तो हमारे पास द गिवन डिफरेंशियल जो इक्वेशन है वो है dy अपॉन dx प्लस y इक्वल टू 1। देखिए काफी सिंपल है, आप y को उस साइड लेके जाइए, y को आप उस साइड लेके चले गए तो 1 माइनस y हो गया, dx को आपने इस साइड लाना है और 1 माइनस y को इस साइड, 1 माइनस y को y के नीचे लेके आना है, dx को उस साइड। इसी को तो कहते हैं हम कि सेपरेबल कर रहे हैं। तो सेपरेबल द वेरिएबल स्टाइल यहां पर चल रही है dy अपॉन 1 माइनस y इक्वल टू dx। देखिए ये सारे y वाले रेस्पेक्ट के हो गए, ये dx के हो गए। आप इंटीग्रेटिंग करिए बोथ साइड, आपने इसको इंटीग्रेटिंग करा तो आपको ये चैप्टर 7 में अच्छे से ध्यान है, इसका क्या आ जाएगा, log 1 माइनस y, बात समझे। और यहां पर आपके पास ये आ गया x प्लस c, और मैं इसको c को इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेते हुए क्या लिख सकता हूं, log c, बात समझ में आई। log c को आप उससे इधर लेके आ जाइए, माइनस log और 1 माइनस y माइनस log c इक्वल टू x। ये आ गया आपके पास ऑप्शन, आप माइनस को बाहर ले लीजिए, यहां पे प्लस हो जाएगा, और प्लस में क्या, ये माइनस आप इधर ले लीजिए, ले लिया। अच्छा देखिए लॉग में क्या प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है, तो आपके पास ये क्या ऑप्शन आ गया, लॉग सी और 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स, बात समझ में आ रही है सारी। अच्छा लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉग दूसरी साइड जाकर यहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे आ जाता है, तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया है, ये आ गया है, यहीं पे लिख देता हूं मैं ई टू द पावर माइनस एक्स। अब आपके पास ई टू द पावर माइनस एक्स यहां पर है और सी उस साइड चले गया तो 1 अपॉन सी और आ गया, बात समझे। आप 1 को साइड लेके आइए क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के जो है जनरल सॉल्यूशन चाहिए, तो y इक्वल टू हमें निकालना है, तो 1 आप उस साइड लेके जाइए, आपके पास हो गया माइनस y इक्वल टू और यहां पर हो गया है माइनस 1 प्लस 1 अपॉन सी ई टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। माइनस को उस साइड ले जाइए तो y इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन सी ई टू पावर माइनस एक्स। आप यहां भी आंसर लिख सकते हैं या इससे आगे अगर आपको ले जाना है तो 1 अपॉन सी को आप डिनोट कर लीजिए ए से बी से किसी से भी, तो y इक्वल टू आपके पास हो गया 1 माइनस ए ई टू पावर माइनस एक्स, और यहां पे आपको शो करना होगा कि वेयर 1 अपॉन सी इक्वल टू ए, आपने इस तरह से यहां पे मारा हुआ है। दैट्स द जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम अगले में चलते हैं, नंबर 4 हमारे पास है। नंबर 4 में भी हमें यही काम करना है कि आपने जो वेरिएबल है उसको सेपरेट करना सीखना है। देखिए आपके पास ऑप्शन है sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0, ये आपके पास ऑप्शन, ठीक है। आप इसको उस साइड लेके जाइए तो आपके पास ऑप्शन हो गया sec स्क्वायर x tan y इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y tan x dy, यहां तक बात समझ में आ रही है। देखिए यहां तक बिल्कुल सिंपल है, अब इससे आगे आप क्या करें, आप यहां पर इस साइड, यहां पर तो केवल y वाले रखिए और यहां पर केवल जो है x वाले रखिए, यहां पे dx भी है ना विथ रेस्पेक्ट, यहां तो मैं क्या करूंगा, इसका tan x यहां इसके नीचे ले आऊंगा और इसका tan y यहां पर नीचे ले आऊंगा, तो मेरे पास यहां क्या आ गया sec स्क्वायर x और यहां से आ गया है tan x विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिए वेरिएबल सेपरेट हो गए ना सारे के सारे, और यहां पर मेरे पास है sec स्क्वायर y अपॉन में ये नीचे आ गया tan y dy। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, आप दोनों साइड इंटीग्रेट करिए, आपको ध्यान है ना मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अगर आप tan x को t पुट करते हैं तो sec स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ये सारा वाला ऑप्शन tan x को t पुट के मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरे पास ये हो गया है log t, log t यानी कि log tan x, और यहां पर मेरे पास ऑप्शन आ गया है log, यहां पर कितना आ जाएगा सोचिए, ये मेरे पास ऑप्शन आ गया है जी log आपका हो गया है कितना tan y, बात समझे, और प्लस log c, ये ऑप्शन हो गया मेरे पास। इसको log tan y को आप इस साइड ले आइए तो ये हो गया log tan x और प्लस log tan y और इक्वल टू log c, ये ऑप्शन हो गया। log की प्रॉपर्टी आपको ध्यान है, log की प्रॉपर्टी में मैंने आपको समझाया था ना, अगर log प्लस में होता है तो वो किस तरह से आ जाएगा log tan x मल्टीप्लाई tan y, तो
तो यहां पर हो गया है tan x और tan y इक्वल टू, लो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि tan x tan y इक्वल टू c, दैट्स द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी वेल। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें लाइक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।